नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने न्यूबॉर्न बेबी के लिए वूलन पैंट बनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी आसान और जल्दी से बन जाती है। इसको मैंने दो रंग से बनाया है। ये देखें, इस तरह से इसका डिज़ाइन बना है। इस डिज़ाइन के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने इसके साथ का मैचिंग स्वेटर भी बनाया है, जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, तो उसी के डिज़ाइन के साथ ही मैंने ये इसकी पैंट बनानी है, जो कि इस तरह से बॉर्डर बना के, फिर दो रंग से डिज़ाइन बना के और ऊपर से प्लेन बना के इस तरह से दो डोरियों का बीच में डिज़ाइन दिया है पिंक कलर का, और फिर ऊपर प्लेन बनाया है। तो एग्जैक्ट इसके लिए कितनी कितनी सिलाई का डिज़ाइन है, ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन ऐसे बना के हमने, उसके बाद इसके ऊपर पैंट के लिए जो आसन बनाना है, वैसे हमने फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं और किस तरह से उसको जोड़ना है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आप चाहें तो बड़ा अगर बना रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी की जगह बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो आप उस हिसाब से सिलाइयों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फंदे भी उस साइज़ पर, आपके फंदे भी ज़्यादा हो जाएंगे और साथ में आपकी सिलाइयाँ भी बढ़ जाएंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले बिल्कुल सीधा बुना है। जितने फंदे मैंने नीचे से 35 लिए थे, ऊपर तक मैंने 35 फंदों से ही इतनी सिलाइयाँ बनाई हैं। इतना डिज़ाइन मैंने दो रंग से बना लिया है। अब हम फंदे बढ़ाएंगे और आसन बनाएंगे पैंट का। तो इसके लिए स्टार्टिंग से ही हमने दो फंदों के चार करने हैं, इस तरह से बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हमने इसको दो से चार बना लेने हैं फंदे, और आगे के फंदे हमने सारे सीधे बुनते हुए जाना है। लास्ट के दो फंदे हमने फिर छोड़ देने हैं, जिनको हमने फिर से बढ़ा लेना है। इस तरह से स्टार्टिंग से और एंड में जब हम फंदे बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो आसन का एरिया होगा पैंट का, क्रॉस एरिया, वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगा। तो ये देखिए, लास्ट के दो फंदे बचे हैं। अब हमने इनको भी इस तरह से एक फंदे के दो किए इस तरह से, और आगे वाले का भी एक के दो फंदे कर लिए। तो दो फंदे हमने स्टार्टिंग में बढ़ाए और दो लास्ट में बढ़ा लिए। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी सीधी सिलाई में बढ़ गई चार फंदे। अब हमने उल्टी सिलाई वाली तरफ भी हमने चार फंदे बढ़ाने हैं इस तरह से। आप चाहे तो उल्टा फंदा बुनते हुए भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से सीधा फंदा बुन के एक के दो फंदे कर लेंगे। इस तरह से ये फंदा बढ़ जाएगा जी। यहाँ पे दो फंदे हो गए, अगले को भी हमने इस तरह से एक से दो कर लेने हैं। तो एक तरफ हमने सीधा और उल्टा करते हुए चार फंदे बढ़ा लिए एक तरफ, और दूसरी तरफ भी चार फंदे बढ़ा लिए। टोटल हमने आठ फंदे जो हैं वो बढ़ाए हैं, और सारे फंदे हमने ये उल्टे बुनते जाना है, लास्ट के दो फंदे छोड़कर। अब लास्ट में हमने दो फंदों को चार कर लेना है इस तरह से। ये देखें, दोनों तरफ से फंदे बढ़ गए हैं। अब हमने ऊपर सीधी और उल्टी सिलाई बुनते हुए बनाते जाना है सिलाइयों को इस तरह से। ये पूरी शेप हमारी पैंट की बन गई। अब हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ बनाते जाना है। ये देखिए, मैंने ये यहाँ पे इतनी सिलाइयाँ बुननी हैं। जितना आपको ऊपर से ये पैंट का एरिया चाहिए, उतना आप सिलाइयाँ यहाँ पे बना लेंगे। ये बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, तो मैंने यहाँ पे 20 सिलाइयाँ बुनी हैं सीधी और उल्टी बुनते हुए। और फंदे हमने सिर्फ स्टार्टिंग में वही चार बढ़ाए थे एक तरफ और चार दूसरी तरफ, और उसके बाद हमने बिल्कुल सीधे उल्टी और सीधी सिलाई बुनते हुए इसको बनाते जाना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक सिलाई ऐसे सीधी बनानी है, जिसके अंदर हम होल रखेंगे, ताकि हम इसके अंदर डोरी को डाल सकें। तो इसके लिए हमने अंदाजन ही फंदों को बुना है। आप चाहे तो पांच फंदे बुन के फिर एक होल रख लीजिए, चाहे तो छह के बाद होल रख लीजिए। और होल को रखने के लिए हमने इस तरह से धागे को पकड़ के घुमा के पीछे वाली तरफ इस तरह से ले जाना है, ताकि हमारा एक फंदा जो है इससे बन जाए, और अगले के दो फंदे हमने इकट्ठे बुनकर एक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये होल बन जाएगा। तो इसी तरह से हमने थोड़े थोड़े गैप पे हमने
फंदे इस तरह से दो का एक करके होल बनाते जाना है। इस तरह से हमने धागे को घुमा लिया और अगले के दो फंदे हमने दो के एक कर लिए। दो रंग की डिज़ाइनर अगर आप डोरी बनाना चाहती हैं तो उसके लिए मेरी वीडियो देख सकती हैं आप, डोरी वाली भी, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरह से हमने ये सारी रो को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी रो पूरी कंप्लीट हो गई है, देखिए होल दिखना शुरू हो गए हैं। अब उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है और जिस धागे को हमने घुमाया था उसको भी हमने उल्टा ही बुन लेना है। ये देखें, ये जो धागा घुमाया था उसको इस तरह से सिलाई पे ताकि इस तरह से हमने बुन लेना है, यूं करके। बस इसी तरह से हमने ये सारे फंदे बुन लेने हैं उल्टे और हमारे जो जो है होल जो है वो बन जाएगा और अब हम आगे डोरी बनाएंगे। ये हमारे पैंट की एक तरफ एक साइड बनी है, अब इसका ऐसे ही सेम हमने एक और पेज बनाना है ताकि हमारी ये पैंट की दोनों तरफ बन जाएंगी। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, देखें। ये देखिए होल दिखना शुरू हो गई यहाँ पे। अब हमने इन फंदों को बंद कर देना है, एक फंदा बुनना है उसके अगले वाले फंदे को बुनकर पिछले फंदे से इस तरह से उतार देना है, फिर अगला फंदा बुनना है और पीछे वाले फंदे को इस तरह से उठा के आगे की तरफ उतार देना है। इस तरह से हमारे ये सारे फंदे हैं एक एक बुनते बुनते हमने इस तरह से बंद करते जाना है। तो ये पूरी सिलाई को अब हमने सारे फंदों को बंद कर देना है। ये देखें सारे फंदे हमारे बंद हो गए, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया है एक तरफ का, एक टांग हमारी बन गई। इस तरह से मैंने सेम दूसरा भी एक टांग बनाई है, एक पेज और बनाया है। ये देखें इस तरह से दो पेज हमारे रेडी हैं। अब हम इनको अटैच करेंगे। अब इस तरह से सीधे तरफ अंदर करके और बाहर वाली तरफ उल्टी रखेंगे और सबसे पहले हमने आसन का जो एरिया बनाया है यहाँ पे क्रॉश एरिया, इसको हमने पहले सिलना है दोनों तरफ से, यहाँ से और इसको यहाँ से, और फिर हमने दोनों टांगे जोड़ के सिल लेनी है। ये देखें ये बनकर तैयार हो गया इस तरह से। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। मैं ऐसे सिंपल ही डोरी बना रही हूँ, आप चाहें तो डिज़ाइनर डोरी भी बना सकती हैं। इसके लिए मैंने तीन बार धागे को इतने लंबाई में लिया है जिससे कि हमारी नाट लग जाए, और उसको यहाँ से हमने सबसे पहले पकड़ के नाट लगानी है स्टार्टिंग में और एक एज में।
दोनों तरफ से हमने नॉट लगा लेनी है इस तरह से। आप चाहें तो इसके आगे पम पम भी बना सकते हैं। और इसको इस तरह से पकड़ के हमने पैंट के होल में इस तरह से डालते जाना। ये देखें, अब इस तरह से डोरी को हमने पूरी पैंट में पिरो लेना है। ये देखें, इस तरह से हमारी ये पैंट तैयार हो गई है। कितनी प्यारी बनकर आई है ये देखें। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इसके साथ मैचिंग वाली स्वेटर भी आप ज़रूर देखिएगा, उसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें, ये हमारी दो रंग की वूलन पैंट बनकर तैयार है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।